मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुआ दर्दनाक हादसा। रीवा बाईपास में दो ट्रकों में टक्कर हो गई। बता दें कि हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई। हादसे में 4 से 5 लोगों के जिंदा जलने की खबर है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम और बचाव दल पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। यह पूरी घटना जेपी बाईपास के नजदीक की है। पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश में कार्यरत अतिरिक्त उप संचालक डॉक्टर उमा कुमरी परते दिल्ली में एशिया के 40 देशों से नामांकित विभिन्न श्रेणियों में अग्रणी काम करने के लिए सम्मिट किया गया। ग्लोबल एम्पायर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भोपाल की डॉक्टर उमा कुमरी परते को वुमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। डॉक्टर परते ने बताया कि इसका श्रेय सभी महिला पशु चिकित्सकों को दिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान समूचे मध्य प्रदेश की महिला पशु चिकित्सकों का गौरव बढ़ाता है। महिदपुर स्थित कस्तूरबा बालिका छात्रावास में छात्राएं काफी समय से पेयजल की समस्या से ग्रसित थी। छात्रावास अधीक्षिका मंजू जैन ने बताया कि पानी की व्यवस्था को लेकर कई बार उन्होंने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन नतीजा विफल रहा। जब तक हार के समाज सेवी विजय सिंह गौतम के द्वारा जन सहयोग के कार्यों के विषय में जाना तो उन्होंने विजय सिंह गौतम से पानी की समस्या के बारे में बात की। तभी विजय सिंह गौतम ने छात्रावास का निरीक्षण किया और तुरंत अपने निजी खर्चे ट्यूबवेल लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने संसद के सेंट्रल हॉल में पार्टी नेताओं की बैठक में सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा। गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने इस फैसले का समर्थन भी किया है। साथ ही बैठक में यह भी चर्चा की गई कि राहुल वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के पश्चात पहली बार भोपाल पुलिस ने 5 आरोपी को पकड़ा है। हालांकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। बता दें कि सभी आरोपी रायसेन के रहने वाले हैं। पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों ने कुछ गाड़ी भोपाल के थाना क्षेत्र से चोरी की थी और कुछ वाहन सीहोर से चोरी की थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नाबालिग छात्रा ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह छात्रा को बचाने में सफल रहे, लेकिन फिर भी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। छात्रा ने बताया कि प्रिंसिपल ने नाबालिग छात्रा से रेप किया था और प्रिंसिपल की अश्लील हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस कारण छात्रा आत्महत्या कर रही थी। बता दें कि यह मामला कोखराज थाना क्षेत्र के कस्बे का है। आरोप है कि 29 अप्रैल 2022 को एक स्कूल के प्रिंसिपल ने नाबालिग छात्रा के घर पहुंचकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। 9 जून को न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला होने वाला है। यह मुकाबला भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर यह मैच पाकिस्तान भारत से हारती है तो उन पर लीग स्टेज से ही टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा सकता है। USA के खिलाफ हुए उलटफेर के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर में मिली हार से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। मैन इन ग्रीन का अगला मैच भारत के खिलाफ है। अगर पाकिस्तान को अपने दूसरे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने मानसून को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण उड़ीसा के कुछ हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में पहुंच गया है। IMD ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून आज 8 जून 2024 को मध्य अरब सागर, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण उड़ीसा के कुछ हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों यानी मुंबई सहित और तेलंगाना में मानसून पहुंचने वाला है। श्री लीला साउथ की उभरती हुई अभिनेत्री हैं। मुख्य नायिका के तौर पर उन्होंने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। श्री लीला ने लगातार कई प्रोजेक्ट के साथ टॉलीवुड में अपना दबदबा बना लिया। साथ ही वे मुख्य भूमिका निभाते हुए साउथ के कई सुपरस्टार्स के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार श्री लीला जल्द ही हिंदी सिनेमा में डेब्यू करेंगी। मिली जानकारी के अनुसार श्री लीला सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ फिल्म दिलेर में नजर आएंगी, जिसका निर्देशन कुणाल देशमुख करेंगे।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम कदम उठाने जा रहे हैं। वे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित कैन बेतवा लिंक परियोजना को पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए लागत जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने लागत की 90% राशि मिलने के बाद दोनों राज्य सरकारों को बकाया 5-5% राशि देनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार जुलाई में परियोजना का शिलान्यास अब केंद्र की नई सरकार द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री और खुले में शराब पीना सख्त मना है। बावजूद इसके शहर के बीचों बीच चार इमली और शिवाजी नगर से लगे हुए 5 नंबर स्थित वाइन शॉप के यहाँ खुलेआम शराब पीते हुए दिन दहाड़े लोगों को देखना कोई आम बात नहीं है। जबकि चार इमली और शिवाजी नगर में तमाम बड़े अधिकारी मंत्रियों के बंगले हैं। भोपाल के 5 नंबर स्थित वाइन शॉप के पास बने मंदिर के पास सुबह से सूरा प्रेमियों का जमावड़ा नजर आता है। लगातार यहां पर मंदिर की बाउंड्री के पास बैठकर लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन ना तो कोई अधिकारी इस बारे में कुछ बोलता है ना ही कोई मंत्री। प्रतापगढ़ में मौलाना फारूक की हत्या से सनसनी फैल गई है, चारों तरफ हड़कंप मच गया है। यह मामला जेठवाड़ा थाना के सोनपुर गांव का है, जहां दबंगों ने मौलाना फारूक की हत्या कर दी है। बता दें कि धारदार हथियार और लाठी डंडे से पीटकर फारूक को मौत के घाट उतार दिया गया है। हत्या से नाराज ग्रामीण सुबह से शव उठाने नहीं दे रहे थे। इतना ही नहीं, मौलाना फारूक की हत्या की बात ग्रामीणों ने पुलिस के सामने ही आरोपी के घर पर पथराव भी किया था। इस दौरान ग्रामीणों की मांग थी कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। नीट यूज 2024 के रिजल्ट के विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं। विवाद के बीच परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी है। NTA के DG सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे छिपाया जाए। रिजल्ट तैयार हो जाता है तो हम घोषित कर देते हैं। सोशल मीडिया पर जितनी भी जानकारियां आ रही हैं, वह हमारी प्रेस रिलीज से आ रही हैं। NTA के DG ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने 4,700 सेंटर पर परीक्षा आयोजित किया था, जिसका रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया था। सुबोध सिंह ने NTA को एक पारदर्शी संस्था बताते हुए कहा कि हम सभी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों को श्रेणी कर राज्य सरकार की रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में अब सिर्फ 5 जिले ही नक्सल प्रभावित रह गया, जिसमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिम सिंहभूम का नाम शामिल है। वहीं देश के पांच राज्यों के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में झारखंड का सिर्फ पश्चिम सिंहभूम जिला नाम शामिल है, जबकि छत्तीसगढ़ में 7, मध्य प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 1 और उड़ीसा में 2 जिले सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में रह गए हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट जस्टिस GS अहलूवालिया की एकल पीठ ने छतरपुर जिले के कोतवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो कार्टून अपलोड किया वह किसी भी हाल में सही नहीं था। बता दें कि गायिका ने सीधी पेशाब कांड के बाद अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी, जिसमें आरक्षित वर्ग का व्यक्ति जमीन में अर्ध नगा बैठा था और खाकी रंग का हाफ पैंट पहने व्यक्ति उस पर पेशाब कर रहा था।